कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई जज्बात हैं कि मैं मोहतरम किबला खादम हुसैन रिजवी साहब की को वो खराज तहसीन पेश कर सकूं। मैंने आते हुए अपने दोस्तों से, मैं एक मुख्तसर बात करूंगा, आते हुए मैं अपने अहबाब जो मेरे साथ थे, मैं उनसे ये जिक्र कर रहा था कि ये तारीख दम तोड़ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हकीकत में ये तारीख गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की रिहाई की तारीख, या बिलखसूस आप इसे कह लें, ये तो अमूमी है, नामूस रसालत का जो काज है, ये दम तोड़ता जा रहा था। मेरे दिल में जो बात थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, कि जब तक मेरे दिल के अंदर जो सवाल है, उस सवाल का जवाब अगर मुझे मिला कहीं से भी, तो फिर मुमकिन है कि नामूस रसालत का तहफ़ भी हो सके भरपूर अंदाज से, और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब भी डेला जेल से बाहर आ सकें। मैं यहाँ मिंबर रसूल पे बैठा हुआ हूँ, खैबर से लेकर रास्ते में कहीं दरगाहें आईं जिनकी मैंने खाक समेटी, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब उस पैराए में नहीं मिला, उस कुव्वत के साथ नहीं मिला कि जो मैं चाहता था कि वो अगर मिले तो फिर मुमकिन है नामूस रसालत का तहफ़ हो पाए और गाजी साहब रहा हो पाए। मैं किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, कुछ हौसला मुझे वहाँ से मिला, एक रोशनी मुझे वहाँ से मिली। उस रोशनी की राह में मैं चलकर हजूर के पास तशरीफ लाया। अब जो मैं अगली बात करूंगा, हजूर उसकी तस्दीक करेंगे। मेरे साथ चार पांच बाब थे, मैंने इन्हें सारी रुदास सुनाई। मैंने कहा हजूर इस तरह इस तरह इस तरह, चलते हुए डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब से अब आपके पास हाजिर हुए हैं, तारीख कमज़ोर हो चुकी है और कुछ अमली इकदाम कहीं देखने में नहीं आ रहे, तो किबला डॉक्टर साहब ने कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं, मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, किबला की खिदमत में वो गुजार कर चुका हूँ, तो उनकी रूह से आप हमें कोई हुक्म फरमाएं। हमने ये सोच रखा है कि हम जितने भी पाकिस्तान में दरगाह हैं सब पीराने निज़ाम के पास जाएंगे, ताकि कल को दुनिया में और आखिरत में हमारी ये हाजिरी लग जाए। यकीन उनके दिलों में मोहब्बत है, वो नामूस रसालत के काज के लिए उनके दिलों में मोहब्बत है, अपनी तगोदो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए तमाम दरगाहों तक हजूर जाऊँगा और जा भी रहा हूँ, तो आप हमारे लिए हुक्म फरमाएं कि हम और क्या इस मामले में करें, और आप क्या चाहते हैं, और हमें आप क्या करना, आप क्या करेंगे। रब्बुल इज्जत का करोड़ों शुक्र है कि जिस सवाल का जवाब मुझे खैबर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर तक नहीं मिला था, वो किबला ने अपनी गर्दन यूं आगे की और मेरे साथ मेरी बात सुन लीजिए, मेरे साथ अबाब भी अभी तशरीफ है, वो बाब मेरे साथ तशरीफ है। किबला खादिम साहब ने यूं अपनी गर्दन आगे की और मुदा के नामूस रसालत के लिए मेरी गर्दन आगे है, चाहे ऊपर से काट दो चाहे नीचे से। जब उन्होंने यूं ये मेरे सवाल का जवाब था, मुझे अपने कायदीन में से, अपने अकाबरीन में से, अपने असलाम में से किसी ऐसी ही जुर्रत का मजारा करने वाली शख्स की, आजाद की जरूरत थी, को जो सिर्फ जो मान नहीं और धन नहीं तान देने वाला होता। ये क्योंकि ये नामूस रसालत का तहफ़ मन से नहीं होगा, धन से नहीं होगा, ये होगा तो तन से होगा। तो जब आपने अपनी गर्दन यूं आगे पेश की और कहा कि चाहे ऊपर से काटो चाहे, मैं क्यों आज सा बंदा हूं, मैं कोई आलम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं, कोई शेख नहीं, एक आम सा रूसिया बंदा हूं, मुझ ना चीज के आगे हजूर ने गर्दन के नामूस रसालत के लिए आपके भाई ने कुर्बानी दी है, तो मेरी ये गर्दन आदर है, ऊपर से काटो नीचे से काटो। तो यकीन जानिए मेरा सीना फराख हो गया, मेरा सीना चट्टान की तरह हो गया। मैंने कहा इंशाल्लाह अब ये तारीख कभी भी ना कमजोर पड़ेगी और इंशाल्लाह नामूस रसालत का परचम बुलंद रहेगा और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब बाहर आएंगे। तो
मैंने 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 शुरू में ही दो सत्रों का एक शेर पढ़ा था कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहना, गिर हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो ये सबक किबला ने हमें दे भी दिया और इसके बगैर, और मैं समझता हूँ ये सादत है, मर तो जाना है, मर तो जाना है, तो फिर नामूस रसालत पे मर जाने से बेहतर कौन सी है, इससे बड़ी कोई शान। अगर तीन दिन की असेरी ने किबला को बड़े बड़े मशायख और बड़े बड़े देखने को तरस रहे हैं, ज्यारत को तरस रहे हैं।